वेल 9th ऑफ सितंबर को यानी अब ऑलमोस्ट एक महीना बचा है, आज 8 तारीख है और अगले 9 तारीख को जो है 9 सितंबर को रिलीज होने जा रही है मच अवेटेड मूवी ऑफ रणबीर एंड आलिया ब्रह्मास्त्र रिलीज होने जा रही है। केसरिया जब से आया है तब से ही तूफान मचा रहा है, 100 मिलियन व्यूज यू ही क्रॉस कर गया है, अभी भी नंबर 1 पे बना हुआ है यूट्यूब पर, और सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बाकी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी नंबर 1 की पोजीशन अभी तक बनाए हुए है। और अब लगता है केसरिया को कंपटीशन देने वाला शायद गाना आ चुका है, और ये गाना किसी और मूवी से नहीं बल्कि खुद ब्रह्मास्त्र मूवी से है। पीपल आर एब्सोल्युटली लविंग द सॉन्ग देवा देवा जो अभी कुछ ही मिनटों पहले रिलीज हुआ है। आपको बता दें अभी 1 घंटा होने जा रहा है इस गाने को रिलीज हुए और 3.8 लाख व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं। अब फास्टेस्ट 1 मिलियन जिस तरीके से केसरिया को मिला था, तो क्या केसरिया का रिकॉर्ड ब्रेक करता हुआ ये गाना हमें दिखाई देगा या फिर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दे क्या कुछ कह रहे हैं फैंस इस गाने के बारे में। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल जोनिता गांधी और अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, एंड ऑफकोर्स परफॉर्म भी काफ़ी अमेजिंग वे में किया है आलिया रणबीर ने। और इस गाने में हमें दिखाई देता है कि किस तरीके से शिवा को अपनी पावर मिलती है और पावर मिलने के बाद वो किस तरीके से पावर्स को एक्सपेरिमेंट करता है, उसे समझने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें देखकर फैंस एब्सोल्युटली लव्ड इट। अरिजीत सिंह की तो भर भर के तारीफ हो ही रही है कि यू नो देयर इज ओनली 1 पर्सन जो बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री को बचा सकता है, अरिजीत सिंह ऐसे कह रहे हैं। तो कोई कह रहा है सिंपल वर्ड्स कैन बी दैट मच सोलफुल जब अरिजीत सिंह की आवाज़ से आते हैं, कोई कह रहा है सोल ऑफ ब्रह्मास्त्र है देवा देवा, एंड अरिजीत प्रीतम और अमिताभ का जो ट्रायो है कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करता। तो कोई कह रहा है केसरिया टू देवा देवा, अरिजीत सिंह अगेन प्रूव्ड हिज वर्सटैलिटी, डियर बॉलीवुड टेक केयर ऑफ हिम, ही इज इंडस्ट्रीज ब्रह्मास्त्र, इस तरीके से कह रहे हैं। तो कोई कह रहा है एक्साइटमेंट लेवल इस गाने को लेकर और मूवी को लेकर और इंक्रीज हो रही है, VFX, म्यूजिक, स्टार कास्ट, डायरेक्टर, कंसेप्ट, मूवी, सब कुछ काफ़ी आई कैचिंग है, आई होप ये मूवी ब्लॉकबस्टर बने। तो कोई कह रहा है हार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र इज केसरिया, सोल ऑफ ब्रह्मास्त्र देवा देवा है, फेस ऑफ ब्रह्मास्त्र रणबीर है, एंड वॉइस ऑफ ब्रह्मास्त्र अरिजीत है, इस तरीके से कह रहे हैं। तो कोई कह रहा है ओ माई गॉड आलिया एंड रणबीर क्या केमिस्ट्री है, तो कोई कह रहा है द वे रणबीर ब्रिंग्स एवरीथिंग ऑन फायर इन दिस मूवी इज लिटरली एवरीथिंग दैट आई एम क्रेविंग टू वॉच, बहुत ही बढ़िया। तो कोई कह रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी तरीके से रणबीर और अरिजीत के ही कंधों पर है, एंड ढेर सारा प्यार सिर्फ अरिजीत को ही नहीं, सिर्फ रणबीर को ही नहीं बल्कि इस मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी को भी दे रहे हैं। VFX काफ़ी अच्छे है, उसे भी पसंद किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे, आपको ये गाना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। मैं आपसे बोलूँगी थोड़ी देर में, आप अपना ख्याल रखिए।